मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे 2000 लोगों का खाना बन रहा है, मतलब गजब है। देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन भी स्टेज पे नहीं बैठे लोग, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, अभी भी रुकी हुई है, फिर लग रहा है कि बारिश तेज आएगा। अरे भाई कितने तेज, मतलब बहुत ही तेज बादल गरज रहा है। और हम लोग हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही नहीं, बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग जाने वाले हैं अपने बहन के घर, उनके घर पे शादी था तो हम लोग नहीं जा पाए लोग, लेकिन आज वलीमा है, वलीमा में जाएंगे और खाएंगे पिएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि वलीमा में क्या क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी नीचे वेट कर रही है। तो गाइस हम लोगों की कार आ चुकी है और चलिए हम लोग चलते हैं। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अपने कार से और ज़्यादा दूर नहीं है, 70 किलोमीटर के रेंज में है, तो चलिए चलते हैं। देन अब हम सिवान भी आ चुके हैं, देख सकते हैं सिवान का ओवर ब्रिज है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए और देखने के लिए कि क्या कैसे हुआ है व्यवस्था और मतलब कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। एंड गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं फल मंडी, सिवान फल मंडी में, और ठीक सामने इसके स्टेशन है, देख सकते हैं वहां पे सामने झंडा दिख रहा होगा आपको, तिरंगा झंडा। और मतलब ये यहीं के खास बात ये है कि आमने ही सामने फल मंडी है और उसके ठीक सामने स्टेशन है, देख सकते हैं। A few inches later. तो गाइज हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं पीछे ही है, चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से मतलब सजाया गया है। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं कितना मस्त लग रहा है, चलिए आपको अंदर से भी दिखाते हैं। और गाइज देख सकते हैं मतलब लाइटिंग वगैरह और मतलब जो ये होता है मतलब जो सजाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। और अभी लोग नहीं आए हैं, अभी बहुत टाइम है, अभी सजाने और मतलब सब सेटिंग वगैरह हो रही है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है और लाइटिंग का कितना मतलब एक एक चीज़ का बारीकी से एकदम सजाया गया है, देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। और Beautiful! और गाइज आप लोग जो सामने देख रहे हैं दुल्हन और दूल्हे का बैठने के लिए स्टेज बना हुआ है, देख सकते हैं कितना मतलब अच्छे से दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड गाइज यहाँ पे सारी तैयारियाँ चल रही है खिलाने पिलाने की, देख सकते हैं यहाँ पे सैलेड काटे जा रहे हैं, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से। और चलिए आप लोगों को एक चीज़ और दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मतलब आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ पे 2000 लोगों का खाना बन रहा है, मतलब गजब है। देख सकते हैं कितने मतलब बड़े बड़े ये हैं बनाने खाना बनाने वाला, देख सकते हैं कितना ज़्यादा है और बहुत ही मतलब शानदार लगेगा, जब लोग आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे डीजे पे नाच रहे हैं और हर एक चीज़ का व्यवस्था हुआ है, नाचने का सब कुछ मतलब डीजे वगैरह सब कुछ है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और बच्चे नाच रहे हैं, देख रहे हैं। एंड गाइस हम लोग बैठे थे, लोग थोड़ा सोच रहे थे लोग, क्योंकि अब बारिश आने वाली है, बहुत ही मतलब बहुत बादल गरज रहा है और जिसकी वजह से मौसम का भी हाल ठीक नहीं लग रहा है। और अब से मतलब खाने पीने का चालू हो रहा है, देख सकते हैं हम लोग भी अब आ गए हैं, लोग पानी पूरी खाने, पानी पूरी भी खाएं लो। और उसके बाद से देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सब कुछ रखा हुआ है, चिकन मटन पुलाव सब कुछ है, सैलेड वगैरह हर एक चीज़, और लोग भी आ चुके हैं, देख सकते हैं। एंड गाइज हम भी
फ्रूट ले चुके हैं खाने के लिए और बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिसके वजह से देख सकते हैं कि कितना तेज़ हवा के साथ बारिश आ रही है। और गाइस आप लोगों को बता दें कि बारिश कभी आ रही है, कभी बंद हो जा रही है, कभी आ रही है, कभी बंद हो जा रही है, जिससे लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन लोग वैसे ही थोड़ा थोड़ा भींग के खा रहे हैं, जब थोड़ा बारिश हो जा रहा है तो रुक के तब खा रहे हैं, फिर बारिश शुरू हो जा रहा है तो लोग चले जा रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग वैसे ही भींग के खा रहे हैं और मतलब माहौल ही ख़राब हो गया यहाँ का, और मतलब बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और गाइस पानी की वजह से देख सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब नुकसान हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा। इतना अच्छे तरीके से सजाया गया था, सारा ख़राब हो चुका है। और गाइस आप लोगों को बता दें कि दुल्हा दुल्हन भी स्टेज पे नहीं बैठे लोग, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, अभी भी रुकी हुई है, फिर लग रहा है कि बारिश तेज आएगी, अभी बादल गरज रही है और हम लोग अब निकलेंगे लोग घर के लिए। अरे भाई कितने तेज़ मतलब बहुत ही तेज़ बादल गरज रहा है और हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं लोग रात में ही। और हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन सही सलामत घर पहुंचने के लिए दुआ भी कर रहे थे लोग। और बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। एंड गाइज हम लोग घर आ चुके हैं सही सलामत। और गाइज आप लोगों को बता दें कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे मतलब माहौल ख़राब हो चुका था, बारिश बहुत ही तेज़ आ रही थी, जिसके वजह से मतलब सारा नहस तहस हो गया था और दूल्हा दुल्हन भी स्टेज पे नहीं बैठ पाए लोग, और मतलब दुल्हन को कोई देख नहीं पाया ना दूल्हा को, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन सब लोग अच्छे से खा पी लिए और अच्छे से घर आ गए लोग। एंड गाइस मतलब हर एक चीज़ ख़राब हो गया था, लेकिन हम लोग घर आ गए हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।